हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे आप ये जो 5 बजे का देख रहे हो, ये सच है कि मैं आज 5 बजे उठ गई थी। देखो, मैं ऐसा इंटेंशनली नहीं उठी थी, एक्चुअली मेरी नींद खुल गई थी 5 बजे अपने आप। तो मैंने सोचा आज उठ जाते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्या क्या ही कर रहे हैं, पर ये अभी आदत डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेटा देखो क्या है ना, आप लोगों ने सिलेक्शन के लिए ये टीम ज्वाइन किया है, तो यकीन करो मुझ पे, ठीक है। मेरा नाम है आयुक्त, तो मैं आप लोगों के लिए आयुक्त बनकर यहाँ आया हूँ। आयुक्त मतलब ही यही होता है, ठीक है, गोला बारूद अस्त्र शस्त्र। तो मैं आप लोगों के लिए वेपन हूँ, इस वेपन का इस्तेमाल करें और नेट को फोड़े। तो आप यकीन करके आए और यकीन कर आयुक्त के पास, और आपको एक आयुक्त की प्राप्ति, वेपन की प्राप्ति होगी। तो जैसे सर ने ये बात बोली, लाइट आ गई, क्योंकि देखो जब मैं लेक्चर देख रही थी ना, तो लाइट अचानक से चली गई, और फिर थोड़ा सा सर ने कुछ बातें बोली और उसके जस्ट बाद लाइट आ गई। वैसे आज संडे के दिन, मतलब मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री करूँगी, उसके बाद जो बायो और फिजिक्स में मुझे जिन चीज़ों में डाउट है, जिन टॉपिक्स में, एक बार उन टॉपिक्स के लेक्चर देख के उस टॉपिक को रिवाइज करूँगी। बट क्या हुआ ना कि मेरा मैक्सिमम टाइम आज पूरा केमिस्ट्री करने में चला गया। 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, तो उसको करने में, लिखने में मेरे को ना 3 घंटे लग रहे थे, मतलब एक लेक्चर में 3 घंटा। पढ़ते पढ़ते ना जब 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, पता है, क्योंकि मैं रात को भी लेट सोई थी और रात को मैं खाना काफ़ी जल्दी खा ली थी, एंड रात को मैं सोई आई थिंक 2 बजे के आसपास थी, और आज सुबह 5 बजे उठ गई, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो ना मैंने क्या किया, सब तो सोए थे घर में, मतलब 7 बजे उठ गए थे, पर उतने सुबह थोड़ी कोई ब्रेकफास्ट बना के देगा मेरे को, तो इसलिए मुझे मेरे कबर में जब चौकोज मिला तो मैंने चौकोज ही खा लिया बिना दूध के, क्योंकि मैं लैक्टोज टॉलरेट नहीं कर पाती, इसलिए मैं दूध की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ चाय पीती हूँ दूध की अच्छे से, बाकी मैं मिठाइयाँ भी बहुत कम खाती हूँ। और पता है यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो गया ना, पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। पता है हमारे एक तो कॉलोनी में बहुत सारे पेड़ वैसे ही है, एंड जब बारिश होती है तो और ज़्यादा सब कुछ ग्रीन हो जाता है रोड के आसपास, और कॉलोनी के गार्डन्स भी बहुत अच्छे लगते हैं बारिश के टाइम में। मैं कभी जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। एंड फाइनली 9:30 बजे के आसपास मेरे को ब्रेकफास्ट मिल गया था, 9:30 बजे के आसपास, बाहर मस्त बारिश हो रही थी, बारिश के टाइम पे गर्मा गर्म पकौड़े आलू के, ओ माय गॉड मज़ा आ गया था यार। बस एक चीज़ की कमी रह गई थी इसमें कि चाय नहीं मिली मुझे। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई वापस से पढ़ने के लिए। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, मतलब अपना थोड़ा सा एक सेशन कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे कब नींद आ गई मेरे स्टडी टेबल पे ही पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं आज ज़्यादा सोई नहीं थी, सुबह भी जल्दी उठ गई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं ना 10-15 मिनट अपने स्टडी टेबल पे सो गई, उसके बाद मुझे याद आया नहीं, मतलब मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब मैं अभी और नहीं पढ़ सकती, थोड़ी देर सो जाते हैं। 11:45 समथिंग कुछ हो रहा था जब मैं सोई थी, एंड उसके बाद मैं फिर 3 बजे सो के उठ गई थी। सो के उठने के बाद फिर, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने 3 बजे नहाया, क्योंकि यार यहाँ पे भी बहुत ठंडा मौसम हो गया, उतनी सुबह मैं नहाती ना तो मुझे सर्दी हो जाती, वैसे भी मैं 2 दिन पहले बारिश में भीग रही थी, इसलिए मैं दोपहर में नहाई। उसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह की, हाँ मैं पूजा करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गई थी आज, बट कोई बात नहीं, पूजा करना ज़रूरी है चाहे मैं कितने भी बजे करूँ। तो देखो पूजा करने के बाद ना थोड़ा सा मैंने फिर खाया पिया कुछ, उसके बाद मैं 5 बजे के अराउंड वापस से पढ़ने आ गई थी। तो मैंने फिर से केमिस्ट्री का ही एक लेक्चर देखा, 1 घंटा 1 लेक्चर ऐसा मुझे टाइम लग रहा है। तो मैंने ना 2-3 लेक्चर ही कवर किए पूरे दिन में, और थोड़ा सा बीच में बायो पढ़ लिया था, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ के पक गई थी ना, तो मैंने क्या किया, जूलॉजी का कोई सा भी एक लेक्चर उठा लिया, उसको बस देख रही थी, ताकि मतलब कुछ तो अलग हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ के बहुत ही मोनोटोन सा हो गया था दिन पूरा मेरा। पर आज मैंने मैक्सिमम पूरा दिन केमिस्ट्री ही किया है। आज मैंने 3 लेक्चर देख लिए हैं केमिस्ट्री के, मूल कॉन्सेप्ट वाले। एंड देखो यहाँ पे मैं ग्रुप स्टडी कर रही हूँ, ग्रुप में बनाती हूँ जल्दी, 1-2 दिन में मैं ग्रुप का लिंक भी डाल दूँगी, जिसमें आप लोग सब साथ में ऐड हो जाओ, मेरे साथ ऑनलाइन ग्रुप स्टडी करो। और जैसे मैंने बताया था कि लाइट बार बार जा रही है क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे,
एंड देखो आज मैंने 3 लेक्चर देखे, उसके बाद ना फिर रिविजन किया उन चीज़ों का जो जो आज सर ने पढ़ाया। सर ने जो क्वेश्चन करा उस क्वेश्चन को मैंने देखा, और सर काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स से पढ़ाते हैं, तो ट्रिक्स याद करना ज़रूरी है। तो जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा ट्रिक्स याद हो जाएगी। साथ में मैंने ना मोल कंसेप्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। अब देखो कुछ भी हो जाए, समझ में आए नहीं आए, पर मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर मैं आयुध सर से कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना रिव्यू दूंगी कि मुझे कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि जब मैं PYQ सॉल्व कर रही थी तो मेरे से बाकी क्वेश्चंस तो बन गए, पर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से नहीं बने, एंड उसी को देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद ट्रिक्स हर जगह काम नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, मतलब घुमाने वाला कि क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा, तो उसमें ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं बनेगा। बस इसी चीज़ का मुझे डर है। प्लस सर के लेक्चर जो है आयुध सर के 2023 के एग्ज़ाम के लिए थे, एंड अभी क्या है कि असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हर पोर्शन में आ रहे हैं, तो वो चीज़ सर के लेक्चर्स में कवर नहीं हो रही है, तो मुझे उस चीज़ का डर है। अब मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना फिज़िकल केमिस्ट्री को लेकर कि मैं क्या बताऊँ। मैंने इतने लेक्चर्स देख लिए, सब कर लिया, बट मेरे को ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी केमिस्ट्री में। एंड यू नो व्हाट, मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि टीचर सारे के सारे अच्छा पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं पहले सुधांशु सर से पढ़ रही थी, नो डाउट सुधांशु सर इज़ अमेजिंग फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। गलती मेरी है कि मैं उन चीज़ों को ठीक से रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। मैं रिविजन करती हूँ, पर जितना करती हूँ शायद मुझे उससे कहीं ज़्यादा रिविजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता उसमें। तो जितना मैं रिविजन करती हूँ उसका डबल टिबल मुझे रिवाइज़ करना होगा, तब जाके मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा। एंड मे बी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वापस सुधांशु सर के लेक्चर्स पे ही चली जाऊँ, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सर अच्छे से कवर करवा रहे हैं, मल्टीपल अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट वाले वो सुधांशु सर करवा रहे हैं 2024 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एंड ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि 23 के लेक्चर्स 23 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थे, 24 के जो अभी न्यू लेक्चर्स है वो 24 के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, तो ज़्यादा सुपीरियर 24 के ही लेक्चर्स होंगे नो डाउट। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मोल कंसेप्ट ख़त्म करती हूँ, अब मैंने 3-4 लेक्चर देख ही लिए हैं जब, तो अब मूल कंसेप्ट यहाँ से कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं सुधांशु सर के लेक्चर से कंटिन्यू करूँगी। हालांकि इसको करने के वजह से मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में टेस्ट में बिल्कुल ढंग के स्कोर नहीं आएंगे, बट कोई बात नहीं, अब मैं मल्टीपल टाइम फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करूँगी तभी मेरे को समझ में आएगा, वरना फिजिकल केमिस्ट्री में दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लूँ मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। तो मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद जो होता है मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, जय श्री राम, जय माता दी।